हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीरे के अंदर एक्सटीरियर को कैसे लाइट करते हैं वो देखेंगे। सो नाउ आई विल नॉट बी गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स बिकॉज अदर थिंग्स ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इट टू यू इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो मैं छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं आपको जल्दी से इस सीन को वीरे फिजिकल साइंस का यूज़ करके और मैनुअल लाइटिंग करके किस तरह से अचीव किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। नाइट का जो सीन है उसके अंदर आपको वीरे फिजिकल साइंस का काम में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर नाइट यानी कि मून लाइट का जो ऑप्शन है वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। और रात की जो लाइटिंग होती है वो ज़्यादातर ब्लूइश टिंच की होती है, जो कि आपको सिर्फ मैनुअल लाइटिंग करने से ही मिलेगी। वीरे फिजिकल साइंस का यूज़ करके आपको वो टाइप का आउटपुट अचीव नहीं हो पाएगा। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई यूजिंग वीरे फिजिकल साइंस का टू लाइट दिस पर्टिकुलर सीन। सबसे पहले हम इस सीन का जो कैमरा है वो सेट कर लेंगे। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू कैमरा, विल बी सेटिंग इट अप appropriately in front of this particular building. We should also have our camera settings, resolution gate, ताकि हमें पता चले कि हमारा कितना एरिया या कितना जो रीजन है वो रेंडर होने वाला है। आई वुड लाइक टू हैव दिस स्पॉटलाइट ऑल्सो इन दिस सीन। सो आई थिंक इतना जो सीन का कवरेज है that will be sufficient enough. So once this camera is set, I will be going to select camera और उसके channel editor में जाके जितने भी इसके attributes है वो सारे lock कर लेंगे, ताकि ये हिले नहीं, इसका थोड़ा भी movement ना हो गलती से अगर हम perspective को move कर रहे हैं तो। Then we can just take a V-Ray frame buffer और वीरे फ्रेम बफर में जाके सबसे पहले अगर आपका जो पर्सपेक्टिव व्यू है अगर वो आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, या तो आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव का ही यहाँ पे फ्रेम बफर के अंदर व्यू पॉइंट दिख रहा है, तो आप पहले तो रेंडर व्यू में जाइए। रेंडर व्यू में जाके कैमरे पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट कैमरा वन, यहाँ पर जैसे कैमरा वन आता है इसके बाद अगर आप वीरे फ्रेम बफर में जाके फिर से हाइब्रिड ये जो इसका प्रीव्यू बटन है उसको अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये सीन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली गेट द कैमरा ऑप्शन इन योर वीरे फ्रेम बफर। सो करेंटली इफ़ यू सी द सीन इज़ लुकिंग वेरी डल एंड वेरी फ्लैट, क्योंकि इसके अंदर कोई टाइप का लाइट एंड शेडो नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल ये सिर्फ डिफॉल्ट लाइटिंग है। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर सबसे पहले फिजिकल साइंस का यूज़ करूँ। सो फिलहाल डिफॉल्ट लाइट इसलिए है क्योंकि हमारे सीन में बाकी कोई लाइट नहीं है, बट एज सुन एज वी गो टू आवर रेंडर सेटिंग्स, रेंडर सेटिंग में हमने वीरे सिलेक्ट किया है। वीरे सिलेक्ट करने के बाद पहले तो आप जी आई को ऑन कर दीजिए, दैट इज़ ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ग्लोबल इल्यूमिनेशन ऑन करने के बाद आपको वीरे में सॉरी ओवरराइड के अंदर आपको जाना है एनवायरनमेंट में। ओवरराइड्स के अंदर एनवायरनमेंट के अदर आपको दिखेगा कि सन एंड स्काई यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन दिस ओवरराइड एनवायरनमेंट एंड देन आप पहले सन क्रिएट करेंगे। सन क्रिएट करने के बाद आपका जो सन है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसके आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रही है। और उसके बाद आपको सन के साथ में फ़िलहाल यहाँ पे स्काई नहीं है, तो आपको स्काई को भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन दिस स्काई, तो अभी आपकी दोनों भी चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो गई है। बट इफ़ यू सी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है, इसका रीज़न ये है कि करेंटली हमारा जो कैमरा है वो स्टैंडर्ड कैमरा है, वीरे फिजिकल कैमरा नहीं है। सो टू कन्वर्ट योर स्टैंडर्ड कैमरा इंटू वीरे फिजिकल कैमरा, यू नीड टू फर्स्ट सिलेक्ट योर actual camera by going into the camera view, then selecting the camera, then select karne ke baad as soon as you get these settings then click on this attributes and go to V-Ray and then select this V-Ray physical camera option. yahan pe aap isko check kar dijiye, check karne ke baad bhi aapko kuch farak dikhega nahi, but if you go to the bottom of these settings you will find something called as extra V-Ray attributes. तो एक्स्ट्रा वीरे जो एट्रीब्यूट्स के अंदर आप जाएंगे, सो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रीट एज वीरे फिजिकल कैमरा, मीनिंग ये जो आपका स्टैंडर्ड कैमरा है वो आपके वीरे फिजिकल कैमरा की तरह काम करेगा। सो एज़ सून एज़ यू क्लिक ऑन दिस तो आपका देखिए ये जो ब्राइटनेस है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है, इट इज़ लुकिंग मच मोर सटल एंड नेचुरल। सो फिलहाल आपको अगर लगे कि इसके अंदर थोड़ा डलनेस है या तो ब्राइटनेस कम है, सो आइदर यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और यू कैन कंट्रोल दीज एक्सपोजर एंड शटर स्पीड सेटिंग्स टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। इसके अंदर विनेटिंग इफेक्ट है। विनेटिंग क्या होता है कि आपके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ी डार्कनेस आएगी। देखिए यहाँ पे विनेट अमाउंट अगर मैं बढ़ाता हूँ
तो आपको कॉर्नर्स के ऊपर डार्कनेस आ जाएगी जो कि हमें फिलहाल नहीं चाहिए. आई कैन जस्ट स्विच इट ऑफ. देन वी कैन जस्ट आइदर लोअर द शटर स्पीड जिससे कि आपका सीन थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, और आप अगर ISO को भी बढ़ाते हैं अप टू 250 तो भी आपका सीन ब्राइट होना शुरू हो सकता है. सो शटर स्पीड कम करने से ब्राइटनेस बढ़ती है और ISO को बढ़ाने से आपकी जो सीन की ब्राइटनेस है वो बढ़ती है. सो करंटली अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये आफ्टरनून सीन बनाना है, सो करंटली आप देखिए मेरा जो सन है इट इज़ अपियरिंग टू बी अ बिट लाइक अ आफ्टरनून, यानी कि 10:30 या 11:30 का सीन मुझे दिख रहा है. अगर मैं इसको और टॉप पे करूँगा सो मेरा जो सीन है काफ़ी हद तक एक 12 बजे का और एकदम नून का आफ्टरनून का आपको सीन दिखाई देगा. सी इट इज़ लुकिंग लाइक अ नून आफ्टरनून सीन, क्योंकि इसमें आपके शेडो भी एकदम बॉटम पे है और क्रिस्प है और आपका जो स्काई है वो भी एकदम लाइट है. सो इस वजह से आपको जो ये सीन है आफ्टरनून जैसा दिखेगा. लेकिन अगर मुझे इस सीन को इवनिंग बनाना है सो आई विल जस्ट लोअर दिस लाइट, इसको लाइट को मैं लोअर करूँगा. सो आप देखिए ये जो सीन है मेरा काफ़ी हद तक इवनिंग जैसा हो गया है. इफ़ यू सी नाउ माई शेडोज विल बिकम सॉफ्टर एंड मेरा जो सन का जो लाइट है वो भी येलोइश टिंज हो गया है. तो इस तरह से आपका जो सन एंड स्काई है वेरी फिजिकल सन एंड स्काई. सो नाउ इफ़ यू सी योर सीन इज़ लुकिंग मच मोर लाइक इवनिंग सीन. आप इसकी डायरेक्शन थोड़ा ठीक से रखेंगे सो आपको अच्छे से इसके जो सेचुरेशन है वो दिखाई देगा. एंड सी इफ़ यू ट्राई टू लोअर दिस सनलाइट बिलो द होराइजन तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पूरा कपड़ा ब्लैक हो गया है बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू परसीव हाउ अ नाइट सीन लुक्स लाइक. तो आप इसको इवनिंग या सनसेट तक ही लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर लेने गए तो ये पूरा डार्क हो जाएगा. और अगर आपको सनलाइट अगर आपके सीन में देखनी है तो अगर मेरा कैमरा यहाँ पे है तो मेरा जो लाइट है अगर मैं इस तरफ रखता हूँ, इफ़ आई एम पुटिंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ माई कैमरा, सो देन मेरा जो सनलाइट है या तो सन का जो शेप है वो भी इसमें विजिबल हो जाएगा. करेंटली इट इज़ जस्ट समवेयर ओवर हियर. अगर मैं इसको हॉराइजन पे लेके जाता हूँ तो आई मे बी एबल टू सी द सन का जो उसका सर्कुलर शेप होता है वो भी इसमें दिखाई देगा. सो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड यूजिंग दीज सेटिंग्स. आपकी देखे आफ्टरनून आप किसी भी तरह से अचीव कर सकते हैं. यू कैन टेक इट अप. आपकी जो सन एंड स्काई है उसको यूज़ करके यू आर एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ एन आउटपुट. सो ये तो हो गया वीरे फिजिकल सन एंड स्काई. लेकिन अगर आप कहें कि सर हमें मैनुअल लाइटिंग करनी है तो मैं मैनुअल लाइटिंग के लिए आपको सजेस्ट करूँगा दैट इफ़ यू आर डिलीटिंग दीज टू, अगर आप इन चीज़ को निकाल लेते हैं, इफ़ यू जस्ट डिलीट योर सन एंड स्काई एंड इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ डोम लाइट. ये देखें यहाँ पे हेमिस्फेरिकल जो शेप है इसको मैं जैसे ही क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हल्का सा इल्यूमिनेशन आ गया है. बट इफ़ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी टू 5 और मे बी 10-15 तो ये मेरा स्काईलाइट की तरह काम करेगा. लेकिन इसके अंदर फिलहाल न्यूट्रल कलर्स है, इट डज़ नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेचुरेशन, क्योंकि इसका कोई स्काई या सन के साथ में कोई कनेक्शन फिलहाल नहीं है. इट इज़ जस्ट एक्टिंग लाइक अ फिल लाइट इल्यूमिनेटिंग माई सीन फ्रॉम ऑल द साइड्स. तो ये जो लाइट का कलर है अगर मैं इसको लाइट ब्लू करता हूँ तो इट विल मैच द लाइट कलर इन द आफ्टरनून. इसका जो आफ्टरनून का जो लुक एंड फील होता है स्काई, अगर हम बिना सन के देखें तो हो सकता है कि हमारा स्काई इस तरह से इल्यूमिनेट करे. और अगर हमें इसका जो कलर है वो इवनिंग का करना है सो इवनिंग के लिए परहैप्स वी माइट हैव टू कीप द कलर लाइक दिस. थोड़ा सैचुरेट करना पड़ेगा शाम के टाइम पे. थिंग्स आर मे बी समटाइम्स दे आर बिट मोर टुवर्ड्स वार्म ऑल्सो. कभी कभी अगर आप रेनी सीजन में देखेंगे गोल्डन आवर होता है सो मे बी यू कैन सी सम सैचुरेशन लाइक दिस ऑल्सो. अगर अभी इसके अंदर मैं सन को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो सन के लिए आई कैन यूज़ अ डायरेक्शन लाइट ऑल्सो. सो सपोज़ इफ़ आई एम क्रिएटिंग अ डायरेक्ट डायरेक्शन लाइट बाई यूजिंग मायाज स्टैंडर्ड डायरेक्शन लाइट, सो आई जस्ट नीड टू क्रिएट द डायरेक्शन लाइट और इसको मैं रोटेट करके. फिलहाल आपको अगर इंटेंसिटी इसमें नहीं दिख रही है सो वॉट यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी टू 50 मे बी. सो नाउ यू विल बी एबल टू सी दैट अवर डायरेक्शन लाइट इज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू कम. एंड बिकॉज इट्स एन इवनिंग तो हमें इसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा हल्का सा हॉराइजन पे लेना पड़ेगा और इसके अंदर हम कलर भी डाल देंगे. सो नाउ यू विल गेट नाइस लुकिंग इवनिंग काइंड ऑफ अ सीन
अभी इसमें आई विल हैव टू सी हाउ टू चेंज आवर वीरे शेडोज. अगर इसमें लेट अस ट्राई इंक्रीजिंग द लाइट एंगल, इट इज़ वर्किंग. इसमें जो लाइट एंगल है, अनलाइक आर्नोल्ड का जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते थे, इसके अंदर ही अगर हम जो शेडोज़ को लाइट एंगल यूज़ करके अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे उसका असर दिख रहा है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू सॉफन द शेडोज, यू कैन जस्ट यूज़ द लाइट एंगल एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट अ सॉफ्टनेस यूजिंग वीरे ऑल्सो. सो दिस वे यू कैन जस्ट इसको मिक्स एंड मैच करके यू कैन ऑलवेज अचीव योर डिज़ायर्ड आउटपुट. लेकिन इसमें आप जो भी करेंगे वो आपका विजन के ऊपर होगा, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर होगा. नथिंग विल बी एज फिजिकली करेक्ट एज यू गेट इन द फिजिकल सन एंड स्काई. अभी अगर मैं आफ्टरनून करना चाहूँ, आई विल जस्ट टेक दिस लाइट अप. इसका मैं लाइट एंगल जो है वो कम कर दूंगा एंड आई विल गिव इट अ वेरी वाइट लाइट बिकॉज इन द आफ्टरनून वी ऑलवेज सी द सन इज़ वेरी हॉट. एंड देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है स्काई का, उसको हम कर लेंगे स्काई ब्लू. इसको डोम लाइट पकड़ के वी विल गिव इट अ लाइट ब्लू काइंड ऑफ अ कलर. या तो इसका सेचुरेशन भी और कम कर देंगे. सो नाउ यू हैव अ वेरी हॉट समर डे वेयर यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ सेचुरेशन. दोपहर को जो सन होता है वो बहुत ही हार्श होता है और उसके अंदर कोई टाइप का आपको कलर नहीं दिखता, क्योंकि उनके जो रेज़ है वो आपको डायरेक्टली पहुंच रहा है, उसमें ज़रा भी कोई भी टाइप की स्कैटरिंग नहीं होती. इसलिए कलर स्कैटर नहीं होंगे, आपको कलर्स लाइट के अंदर कम दिखेंगे या तो वो दिखेंगे ही नहीं. सो इफ़ यू कैन नोटिस इन योर डे टाइम ऑल्सो, इट विल बी ग्रेट फॉर यू जस्ट टू हैव अ रेफरेंस. लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं इसी सीन को अभी नाइट में कन्वर्ट कर दूँ, सो ऑल आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट दिस डोम देन कन्वर्ट इट्स कलर फ्रॉम लाइट ब्लू टू मे बी डार्क ब्लू. इस तरह का कलर कर लेंगे. सेकेंडली ये जो वार्म कलर आ रहा है, देखिए इसमें कॉम्बिनेशन हो गया आफ्टरनून एंड नाइट का. सो विल बी पिकिंग अप द डायरेक्शन लाइट एंड कन्वर्टिंग इट्स कलर फ्रॉम वार्म कलर टू अ कूलर कलर. इसका जो कलर है वो हम लोग थोड़ा कूल ले लेंगे और इसका इंटेंसिटी भी इतना ज़्यादा नहीं रखना. मे बी वी कैन कीप इट 10 और मे बी 5 ऑल्सो एंड वी डोंट नीड टू हैव सच काइंड ऑफ शार्प शेडोज. के शेडो भी थोड़े सॉफ्ट कर देते हैं. सो वी विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शनल लाइट एज वेल एज द स्काई लाइट. अगर आप इसको हाइड भी करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाइट में अगर मून नहीं है, अगर आपका मून वहाँ पे मून का प्रेजेंस नहीं है, तो योर लाइट माइट लुक लाइक दिस. सो आई विल लोअर दिस इंटेंसिटी एंड आई विल जस्ट कीप दिस एज अ फिल लाइट. अगर मुझे लगे दैट आई नीड टू हैव सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स ऑल्सो, वॉट आई विल डू इज आई विल बी क्रिएटिंग टू IES लाइट इन ऑर्डर टू इल्यूमिनेट दिस स्ट्रीट लाइट. या तो मैं इस स्ट्रीट लाइट को वीरे सेल्फ इल्यूमिनेटिंग मटेरियल दे सकता हूँ, या तो इसके ऊपर IES लाइट लगा के इसको यहाँ पे एक फॉल ऑफ सा दे सकता हूँ. सो लेट अस गिव एन IES लाइट फर्स्ट. वीरे में जाके विल बी गिविंग एन IES लाइट. IES लाइट काफ़ी इसमें बड़ी दिख रही है. सो लेट अस जस्ट रोटेट इट 90 degrees एंड कीप इट जस्ट बिसाइड्स अवर स्ट्रीट लाइट एंड जस्ट कीप इट्स ओरिजिन अ बिट अवे फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. इसको हम ले लेंगे रिसोर्सेस IES गाइड नंबर 16 ओके. सो करेंटली इफ़ यू सी द इंटेंसिटी इज़ टू मच फॉर आवर सीन. सो इंटेंसिटी को हम बहुत ही ज़्यादा कम कर लेंगे सो दैट इट बिकम्स मैनेजेबल. आई थिंक 0.005 विल बी सफिशियंट इनफ और इवन 0.01 विल बी गुड इनफ. सो यू कैन सी इट इज़ शोइंग अस अ नाइस फॉलो ऑफ इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, बट करेंटली इट इज़ ओनली वन लाइट. सो वी विल जस्ट डुप्लीकेट इट एंड विल शिफ्ट इट ओवर दिस साइड, ताकि ये दोनों भी अपने को जो लाइट है नाइट का वो मिल जाए. एंड इफ़ यू फील दैट दिस लाइट इज़ लुकिंग टू वाइट, जनरली आजकल LED लाइट ऐसे वाइट ही होती है, लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इट सम काइंड ऑफ ऑरेंज टिंज, तो आप कलर मोड में इसे चेंज करके टेम्परेचर में जा सकते हैं. एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट टेम्परेचर मुझे एक स्टैंडर्ड वैल्यू देता है, जिससे मेरा कलर का जो कंसिस्टेंसी है वो इंटैक्ट रहे. सो टेम्परेचर में जाके आई विल चेंज द टेम्परेचर बिलो 6500 इन ऑर्डर टू मेक इट वार्म. सो 6500 का चेंज करके मैं 3000 कर दूंगा, विच विल गिव अस नाइस येलो टिंच इन टू द लाइट. टेम्परेचर 3000.
So now you will see that we have got a nice combination of key light, that is the street light, and the fill light is the skylight, which is coming from the sky, and it is a bit dark blue in color, because in the night we don't see very bright blue colors, we see very dark blue colors. So this way we are able to get this kind of an output. अगर हमें लगे कि ये जो विंडोज़ है उसके अंदर से भी लाइट्स आनी चाहिए, सो यहाँ पे एक्चुअली तो ग्रिल्स है. यू कैन सी दैट दीज आर ग्रिल्स विच आर देयर इन द विंडो एंड वी कैन नॉट इल्यूमिनेट दैम प्रैक्टिकली. लेकिन ये कर सकते हैं दैट वी कैन जस्ट इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ जस्ट टू क्रिएट अ सीन. सपोज इफ आई एम इल्यूमिनेटिंग दीज थिंग्स, तो लगेगा ऐसे कि अगर बेडरूम के अंदर कोई लाइट है जो विंडो के थ्रू बाहर आ रही है, तो वी कैन गिव दीज ऑब्जेक्ट अ शेडर विच कैन एक्ट एज लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द विंडो. सो इन सबको मैं सिलेक्ट करके आई विल असाइन अ न्यू मटेरियल विच कैन बी वीरे लाइट मटेरियल. तो वीरे लाइट मटेरियल एक सेल्फ इल्यूमिनेटिंग शेडर होता है जिसमें आपको सिर्फ कलर चेंज करना होता है. आई विल मेक इट अ बिट वॉर्म, मे बी नॉट दैट मच, या दिस वॉर्म कलर इज़ गुड इनफ, मे बी अ बिट आइवरिश, एंड आई विल गिव इट एन इंटेंसिटी ऑफ मे बी 15 और मे बी 20 वुड बी गुड. ओके, सो दिस वे यू कैन इल्यूमिनेट द लाइट्स यूजिंग सरफेस शेडर. एंड इफ आई इंक्रीज इट टू मच, सपोज मैं इसको 500 कर लेता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे रोड के ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा. So the more you do it, the more intensity you get from these objects. ये surface shader की तरह काम करेगा. फिलहाल we don't need to have so much of intensity coming out of it. We can just show some kind of a glow. और इनको हम compositing में जाके इसको glow भी कर सकते हैं. So we don't need to worry about it. So these are our window lights. Then if I feel that I should have a light coming from this particular जो ऊपर का ये होर्डिंग है, इसमें ये जो दो प्लेन्स है या तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे होर्डिंग को लाइट अप करना चाहिए. सो आई थिंक आई कैन जस्ट सिलेक्ट द फेसेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स एंड देन असाइन अ न्यू मटेरियल टू देम. शेडर वीरे वीरे लाइट मटेरियल एंड इफ आई गिव इट एन इंटेंसिटी ऑफ मोर देन 50 और 100 we will be able to see nice illumination coming out. Okay, we will have to see why it is not coming, or what we can do is we can just detach these faces, mesh, separate, and now you can see that our light has started to come. You can see that the light has started to come. So we have many other options. For example, we can even make a fake light, that is we can just create an area light. If we are not able to get it through the actual objects, then we can fake an area light and make it act as if this hoarding is being lit up by the lights that are below it. So currently you can see that this plane is showing its visibility, so we'll just make it invisible. So now if you see, we are faking our hoarding light by using this particular area light in front of the hoarding. So if we increase the intensity of this, so we will get our desired looking output. Now we will duplicate this so that our hoarding is also being lit up properly. And we might want these sources also to be lit up, that is these objects also should have a self illumination. So let us give it a V-ray material itself. Let us give it a V-ray material itself, and inside our V-ray material we have something called as self illumination. So if we increase the self illumination and then increase its value, so we will be getting similar kind of a self illuminating object feel.
that is being visible in these windows also. So this way we can increase and decrease the value and try to make it like it's a self illuminating object. So this way we have created the scenes very quickly for day, night and evening and afternoon also. But there is just one thing missing, which is the fog. That in general we have the fog visible in our natural environment. So if I want to add a fog into this scene, then I will have to go to render settings. We need to go to the environment. Inside environment you will find an option called as volumetrix, and in the first option use environment volume, you will get a option box. In the option box you need to select an option called as V-Ray environment fog. V-Ray environment fog. So as soon as you click on this, you will see that our spotlight has started to emit the fog, but currently it is covering a large area. So in order to control them, we might have to go to its options, and first thing we need to change is its fog height. So when you play around with this fog height option, you will start to get your scene intact. Fog height should be around 5 or something, maybe 10 would be good, 15, 25. Okay, let us keep it 15 for now. And fog distance also we might have to change. So currently you can see the fog has started to work, but we might have to play around with these settings a bit more in order to get our desired output. So we can just take it up a bit. And now again let us play with its settings a bit. And then we can even increase or decrease the intensity to achieve the desired output. And also we can give it separately also. This effect need not be given at the same time. We can separately render these volume fog lights, and then we can put it in a post, that is in compositing. We can composite these lights with the actual scene. So I am hoping that every student is able to relate how the process remains the same in all the softwares, including Arnold and Maya software and Mental Ray. And currently I have not yet changed these shaders into a V-Ray shader, because most of these buildings cannot reflect any light. But if students are using V-Ray shaders, then the scene might render faster and it will have a lot better bounces as far as V-Ray rendering engine is concerned. So I think students can go ahead and try out new things every day and just come up with the best looking output possible. So I will be concluding this lecture now. I hope this lecture was informative, and if any student has any doubts regarding this particular video, then they are most welcome to send me a message or send me an email and ask the query. So thank you very much, and God bless you. Stay safe, stay at home. Thank you very much.